तो उस दिन जो है मैंने बताया था कि चाइल्डहुड का जो फेज है उसमें मैंने आपको बताया था कि वो बचपन की बोर्डिंग से भागने वाली जो कहानी है, सच्ची कहानी जो है वो मैंने आपको बताई उस दिन। और फिर मुझे आ गई नींद, मैंने कहा अब मैं सो रहा हूँ, वाकई में थकान हो गई थी। तो मैंने एक वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो बचपन का जो फेज है वो पूरा मेरा जो है नानी के साथ गुजरा है। और मम्मी थी नहीं, पापा जो थे वो बिजनेस की वजह से बिजी रहते थे काम में। और जैसा मैंने आपको उस दिन बताया था, हमारे घर में एनी टाइम 14-15 लोग रहते थे। तो दिन भर तो वो सब भी बाहर होते थे, बिकॉज वो भी सब अपने काम वगैरह में बिजी होते थे। तो मैं तो स्कूल से आ जाता था, तो मेरा जो इंटरेक्शन पूरा रहा है बचपन का वो सिर्फ नानी के साथ रहा। तो हर चीज़ उनको बताना, शेयर करना, और हमारा जो रिलेशन और जो केमिस्ट्री थी वो एकदम अंडरस्टैंडिंग वाली थी। और उसमें मतलब मेरी लाइफ में आज तक मैंने कभी भी, अभी तक, आज तक, नानी का तो इंतकाल हो गया, नानी तो नहीं है, लेकिन आज तक मेरी एक आदत है, मैं खाना जो है मांग कर नहीं खाता। मतलब मैं आपसे बोलूंगा नहीं कि मुझे खाना दे, मतलब वो एक अजीब सी एक कैफियत है। तो वो उनको मेरा चेहरा देख के ही समझ में आ जाता था कि उसको खाना चाहिए। तो वो एक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जब मैं 10th में गया तो उम्र भी हो गई, तो उस वक्त जो है घर के जो हालात थे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो था वो इतना खास नहीं रहा, क्योंकि मेरे जो फादर थे उनका तो बिजनेस अच्छा चल रहा था। वो अलग हो गए, उन्होंने शादी कर ली तो वो अलग हो गए। तो ये बहुत बड़ा ब्लो था हमारे घर के लिए, क्योंकि ही वॉज द यू कैन से सोल अर्निंग मेम्बर। क्योंकि बाकी जो लोग थे घर के मेम्बर्स वो स्ट्रगल कर रहे थे, मेरे जो मामू वगैरह थे वो अभी यंग थे, वो जॉब वगैरह पे नहीं थे। तो पूरा जो घर का खर्च जो चलता था वो मेरे फादर की बिजनेस से चलता था। वो अलग होने की वजह से क्या हुआ, आई विल नॉट से कि ही जस्ट अब्रप्टली लेफ्ट अस, उन्होंने जो है ये कई साल तक चालू रखा कि वो खर्चा वगैरह जो है वो हमारे पास देते थे, क्योंकि मैं वहीं पल रहा था तो मेरी भी जिम्मेदारी उनकी बनती है। ये सब वो कर रहे थे, लेकिन वो जो बात पहले थी वो अब नहीं रहेगी ना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप बार बार, अब उस जमाने में फोन तो है नहीं, मोबाइल फोन तो था नहीं, अब बार बार किसी को, आप कोई आ रहा है आपके पास तो आप उसको बार बार बोल रहे हो कब पैसा दोगे, कब खर्च खर्च दोगे। तो इससे क्या घर का माहौल खराब होता है। एंड माई नानी वॉज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, उनका भी नेचर वैसी था कि कभी कुछ मांगना नहीं, करना नहीं। तो घर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी उस वजह से एक वक्त ऐसा आया कि घर को सेल आउट करना। तो हमने जुहू हरे रामा कृष्णा मंदिर का जो हमारा फ्लैट था वो था अशोक अपार्टमेंट, आज भी वो बिल्डिंग है वहाँ। मैं कभी कभी अपने दोस्तों से कई साल पहले तक तो मिलने जाता था, अब तो कोई कहाँ है, कहाँ कहाँ गए अब मुझे नहीं मालूम। उनसे मैं कोई ज़्यादा सोशल मीडिया भी कनेक्टेड भी नहीं हूँ, फेसबुक से मैं हट चुका हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि कोई वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। तो मैंने जो है, मुझे हर एक चीज़ याद है उस वक्त की, बचपन की। अच्छा मुझे ना मेमोरी बड़ी शार्प है मेरी, तो मुझे जो है बहुत सी बातें याद रहती है, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ याद है। मुझे अभी भी याद है कि एक वक्त ऐसा आया हमारे घर में कि जब मैंने कहा कि वो सेल आउट कर दिया, तो हमने कम से कम 2 से 3 घर शिफ्ट किए उस वक्त। मुझे याद है एक दो घर हमने जुहू पे ही शिफ्ट कर लिया, जुहू तारा रोड के पास गए, फिर एक घर हमने यारी रोड में शिफ्ट किया जो वर्सोवा इलाके में आता है, अगर आप जानते हो बॉम्बे के सबर्ब्स में यारी रोड है, वर्सोवा है, हम वहां शिफ्ट हुए। फिर हम वापस जुहू वाले फ्लैट में आए, एक बार हम वापस आए वहां पर, क्योंकि फॉरेन सेल आउट नहीं किया था एक्चुअली, वो जैसे नहीं बोलते हैवी डिपॉजिट। तो जो पहली शिफ्टिंग थी वो ऐसे हुई कि हैवी डिपॉजिट पे जो है मेरी नानी ने घर दे दिया। अब जो है क्या हो गया कि दोबारा आने के बाद जो भी पैसे थे या जो भी सेविंग्स थी वो सब खत्म होने लगी। तो अब एक फाइनल स्टेज आया कि अब वो घर सेल आउट कर, पहले तो डिपॉजिट पे जाके शिफ्ट कर रहे थे, अब एक वक्त ऐसा आया कि अब उसको पूरा ही बेचना पड़ेगा।
तो अब जो है क्या करते हैं, बेच दिया, बेच के फिर हम लोग जो है यहाँ पर आ गए आपके फो बंगलोज लोखंड वाला। वहां पे जब हम लोग पहुंचे तो वहां भी जुहू पे रहने की आदत, बड़ा अच्छा एरिया, कॉस्मोपॉलिटन सब कुछ। यहाँ भी कॉस्मोपॉलिटन था, लेकिन यहाँ इन्होंने एक चीज क्या की थी कि वहां पर जो घर थे हमारे, तो वो प्लॉट लेके आप घर बनाते हो, तो वो वाला कॉन्सेप्ट था। बिल्डिंग में नहीं गए, मतलब हम बिल्डिंग में नहीं गए। तो हम जब गए वहां तो इतने लोग थे हम लोग कि वो छोटे से घर में तो अभी हम रह ही नहीं सकते थे। हम, मुझे याद है, हम 25 मीटर्स में गए थे। तो आप समझ लो 25 मीटर के घर में 10-12 लोग रह रहे हैं, इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मतलब आप उसको इमेजिन आज के तौर पे नहीं कर सकते। रहने को आप रह लोगे लेकिन वो मजा नहीं आएगा, उतनी आप कंफर्ट से नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज, मैं बच्चा उस वक्त, मेरी उम्र 10 से 11 साल की थी, मैं हर चीज ऑब्जर्व कर रहा था, मैं हर चीज देख रहा था। तो शायद कुदरत को ये चीज डालनी ही थी मेरे जहन में शुरू से कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब आपके साथ कोई है नहीं। बिकॉज डैड ऑलरेडी लेफ्ट अस, हमको तो ऐसे ही छोड़ दिया था उन्होंने। हम कभी कभी हम जाते थे मिलने, मैं तो जाता था कभी कभी। एक बार वो जबरदस्ती भी ले गए थे मुझे, तो वहां से मैं भाग के आ गया था। वो तो एक अलग स्टोरी है, मैं किसी दिन बताऊंगा आपको। तो खैर, अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। मेरे जो मामू हैं, यानी मेरे जो नानी के बड़े बेटे, उनकी शादी होनी थी, तो कुछ पैसे तो जो घर जो सेल आउट हुआ था, कुछ पैसे वहाँ चले गए, कुछ पैसे पुराने जो लोन्स वगैरह थे उसको क्लियर ऑफ किया मेरी नानी ने। अच्छा, नाना मेरे एकदम सीधे शरीफ आदमी, उनको कुछ दुनियादारी पता नहीं, तो जो मेरी नानी ने किया उसमें हामिया मिला दिया उन्होंने, तो वो भी उतना कोई कुछ स्टैंड नहीं ले पाए। जो मामू मेरे थे उनके अंदर उस वक्त जो है इतनी सलाहियत ही नहीं थी कि वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेके कोई बिजनेस खड़ा, क्योंकि बिजनेस कभी किए ही नहीं उन्होंने, कोई जॉब ही करते रहे। तो इस वजह से क्या हो गया, रिसोर्सेस नहीं होने की वजह से मैंने एक चीज गौर करनी शुरू की मेरे घर में कि यार मैं तो इन लोगों पे बोझ बन जाऊंगा आगे चल के, तो मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या मुझे अपने डैड के पास चले जाना चाहिए। लेकिन अगर मुझे ये भी पता था अगर मैं वहां जाऊंगा तो वहां एक अलग टॉर्चर मिलने वाला है मुझे, क्योंकि वहां मेरी जो है स्टेप मदर है वहां, तो वो पता नहीं क्या ट्रीटमेंट करे। कभी कभी जाने से इंसान को ना समझ में नहीं आता है कि वो आदमी प्यार करता है कि नहीं करता है। कभी कभी मैं जाता था तो मेरे लिए जो ट्रीटमेंट होता था वो बड़ा अच्छा होता था, लेकिन मुझे इतनी सेंस आ गई थी कि अगर मैं यहाँ मुस्तकिल कंप्लीटली रहने लगूँ तो पता नहीं क्या हो जाए मेरे साथ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी थोड़ा आराम से रहते हैं यहाँ पर। अभी उन्होंने कुछ, वैसे भी पापा ने मेरे फोर्स नहीं किया था कि तुम आ जाओ, तो मैंने कहा अभी रहने देते हैं फिलहाल। तो यहाँ की जो सिचुएशन है मैं काफ़ी रीड कर रहा था, और रीड करते करते मैंने समझ लिया कि मैं अब अपने स्कूल की जो फीस है वो मैं इन लोगों से नहीं ले सकता। मेरी नानी नाना मामू इन लोग की उतनी इनकम नहीं थी, ये बेचारे अपना घर का खर्च चला ले, ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरी फीस और ये, अच्छा देते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं देते। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बोला था कि तुम यहीं रहोगे, तुम हमारे पास रहोगे, तुम अपने पापा के पास क्यों जाओगे भाई, तुमको हमने पाला है, तुम्हारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे और इस घर में तुम्हारा हिस्सा भी है, यहाँ तक बोला उन्होंने मुझे। मतलब इतना अपनापन था वो। लेकिन मैंने अपने मन से जो बात की, मैंने कहा नहीं यार ये चीज़ नहीं सही है। ठीक है वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारा हिस्सा इस घर में, तुम्हारे बेटे की तरह, मैं क्योंकि मैं मम्मी ही बोलता था उनको, नानी को, तो ये सारी चीजें जो है ये होने लगी थी। और इस मामले में हमारी ऑन एंड ऑफ हर 2-3 दिन में बात होती थी। तो मैंने उनसे एक बात बताई, मैंने कहा देखिए नानी, ऐसा है कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन वो अच्छी नहीं है, तो मुझे जो है कुछ जॉब कर लेना चाहिए। और मैंने 10th क्लियर कर लिया था, मतलब ये 10th मैंने क्लियर कर लिया था। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2003 की। 2003 में मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया। उसी एरिया में हमारा एक स्कूल हुआ करता था, आज वो स्कूल बंद हो गया। जब हम जुहू पे थे, अच्छा इत्तेफाक की बात है, जुहू के स्कूल में मैं जब था तो मैं वहाँ 5th स्टैंडर्ड तक था। मैं जब वो हटा हूँ उसके बाद वो स्कूल बंद हो गया।
जब हम यहाँ शिफ्ट होके आए तो फिफ्थ के बाद, अच्छा शिफ्टिंग के दौरान जो है मेरा फिफ्थ का जो साल है वो बहुत लॉस हुआ, तो मुझे वापस से फिफ्थ स्टैंडर्ड रिपीट करना पड़ा। तो मैं जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ लोखंडवाला में, जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो वापस फिफ्थ में मुझे जाना पड़ा, बिकॉज मैं कुछ बीमार पड़ गया था और शिफ्टिंग की वजह से कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में था, तो मेरे 3-4 एग्जाम्स जो है मैं एबसेंट था, तो इस वजह से मुझे ये कहा गया कि आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड रिपीट करना पड़ेगा। तो मैंने अपना फिफ्थ स्टैंडर्ड रिपीट किया नए स्कूल में। तो 5th to 10th जहाँ पर मैं था वो स्कूल मेरे 10th तक चला। 9th में मैं काफ़ी क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एंड आई वॉज ऑलवेज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, मतलब आई एम नॉट अ स्कॉलर, आई वॉज अ डिसेंट एवरेज स्टूडेंट। बट जिस सब्जेक्ट में मेरी महारत थी या मेरी जो दिलचस्पी थी, जो हिस्ट्री था, उसमें मैं बेस्ट था, तो आई वॉज ऑलवेज गुड इन वॉट आई वॉन्टेड टू डू। बाकी मैथ्स में तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता था, मराठी में परेशान हो जाता था। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी में आई वॉज द बेस्ट, एंड येस ऑल्सो साइंस, आई ऑल्सो लाइक साइंस, नॉट द फिजिक्स पार्ट बिकॉज उसमें मैथ्स है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, बट मेजरली बायो, आई लाइक बायो अलॉट। तो 10th मैंने वहाँ क्लियर किया। तो स्कूल के भी कई सारे किस्से हैं, वो किसी दिन आराम से शेयर करेंगे अलग मूड में। तो जब 10th कंप्लीट किया मैंने, तो 10th के वक्त मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे कमाना चाहिए, क्योंकि 10th तक की जो जिम्मेदारी मेरी नानी ने उठाई ये बहुत बड़ी बात थी उनके इनकम के हिसाब से, वो बेचारी की कोई इनकम ही नहीं थी। मैं चाहता था कि अब मैं इन लोगों का सपोर्ट करूं। तो 2003 में मैंने जो है अपनी जो 10th की एजुकेशन है वो कंप्लीट की, और मैंने सोचा कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा और 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई भी करूंगा। तो थोड़ा एम्बिशियस होके मैंने जो है कुछ लोगों की बात में आके कॉमर्स ले लिया, जबकि आई एम नॉट अ कॉमर्स पर्सन, मतलब आई एम प्योरली एन आर्ट्स पर्सन, का मतलब है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी फिलोसफी इस टाइप के सब्जेक्ट्स में मेरी हमेशा से मेरा जो इंटरेस्ट रहा। तो अब मैंने समझ लिया कि मुझे जो है जॉब करना है, तो अब सवाल ये उठता है कहाँ करना है। अब मेरी एज जो थी उस वक्त 16 थी, 16 में आप कंप्लीट कर लेते हो 10th, तो मुझे जॉब देगा कौन, 18 साल कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो जॉब की इतनी शिद्दत थी मुझे कि मैंने ये भी सोच लिया कि मुझे अपनी एज बढ़वा लेनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ जो है फेर बदल करके कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरी जो है जॉब लग जाए और एज जो है मेरी पता लगे कि मैं 18 हो चुका हूं, ताकि मुझे जॉब मिले, बिकॉज अदरवाइज चाइल्ड लेबर वाला मामला आ जाता, तो 18 के नीचे जॉब ही नहीं मिलेगी। अच्छा उस वक्त ये भी स्ट्रिक्ट था कि 12th के नीचे भी जॉब नहीं मिलेगी, मैं तो 10th ही था, तो वो जो स्ट्रगल था मेरा 10th से लेके 12th करने के बीच में जॉब भी करना, एज का भी मामला आना, 12th तो हुआ ही नहीं है तो जॉब मिलेगा कैसे, किस सेक्टर में जाना, किस इंडस्ट्री को ऑप्ट करना, ये सब तो बाद की बात है। पहले तो मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो 11th स्टैंडर्ड में मैंने ओरिएंटल कॉलेज जो कि जोगेश्वरी में पढ़ता है वहाँ एडमिशन लिया मैंने, और वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद 6 महीने के अंदर मुझे वो भी छोड़ना पड़ा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2003 की, क्योंकि 3 में 10th कंप्लीट हुआ मार्च अप्रैल में, अगस्त से स्कूल शुरू होना था, अरे ये अपना जूनियर कॉलेज जुलाई अगस्त से, 6 महीना मैंने दिसंबर तक वहां या नवंबर तक मैंने वहां पढ़ाई जो है की। उसके बाद हुआ ये नहीं कि मुझे पढ़ाई छोड़नी थी इसलिए छोड़ा मैंने, ऐसा नहीं था। हुआ ये कि मैंने एक दिन फोन किया पापा को, क्योंकि कुछ फीस पेंडिंग थी, स्कूल की फीस पेंडिंग थी, ये कॉलेज की, तो कॉलेज की फीस पेंडिंग थी। तो मैंने सोचा कि इनसे मैं कुछ हेल्प ले लेता हूँ, क्योंकि मम्मी जो थी मेरी यानी नानी, उनके पास उस वक्त उतना कैश अवेलेबल नहीं था कि वो एक साथ इतनी फीस की, टर्म फीस होती थी उस जमाने में भी, तो टर्म फीस जमा करनी थी, उतने पैसे नहीं थे।
तो मैंने एक दिन फोन लगाया, मैंने कहा कि ऐसा है कि आपसे बात करनी है। वो अब मुझे मांगने तो होता नहीं है ना, वो भी मेरी प्रॉब्लम है, मेरी बहुत बड़ी कमजोरी, मैं मांग नहीं सकता। लेकिन उस वक्त क्योंकि भाई सिचुएशन ऐसी थी कि एक तरफ कॉलेज जाना है, एक तरफ जेब में पैसे नहीं है, स्ट्रगल का दौर है, और कॉलेज की फीस भरने के लिए फोन भी मैं किसको कर रहा हूँ, पापा को कर रहा हूँ। तो मेरे जो पापा हैं उन्होंने एक बात बोली, उस कुछ टेंशन में थे, उनके काम के ही कुछ मसला रहा होगा। तो मैं उनको बोला कि कॉलेज की फीस भरनी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार देखो ऐसा है कि तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, ये लफ्ज थे उनके। 15-16 साल की उम्र जो मैंने आपको बताई, 15 साल की उम्र में मुझे ये सुनने मिलता है, वो भी फोन पे, वो भी किस बात पे कि मैंने फीस मांगी है मेरी, और मुझे वो बोल रहे हैं तुम अपने रास्ते और मैं आज मैं 35 ईयर्स का होने वाला हूँ, बात दिमाग में घर कर गई। तो 15 प्लस अभी कितना, 35-20 साल हो गए, हाँ 20 साल और 24.5 साल। हाँ 20 साल, सॉरी 20 साल हो गए उस बात को, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ। अच्छा वो जाती भी नहीं है दिमाग से बात, मसला ये भी तो है ना, जाती नहीं। तो मैं सोच रहा था कि यार तो बड़ा मसला हो गया, अच्छा फोन रख दो तुम, ये भी बोले तो रख दिया। हमारे पास लैंडलाइन था, वो फोन मेरे पास मोबाइल फोन तो था नहीं, तो वो लैंडलाइन फोन था, मैंने भी रख दिया। और मैं कुछ आधा पौना घंटा उसी चेयर पे बैठ के ऐसे सोचता, मैं सोचता रहा क्या होगा क्या होगा, मैं सोच रहा। तो मेरी नानी, तो मैंने आपको बताया वो चेहरे से ही मुझे देख के समझ जाती थी, वो समझ गई कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने बताया क्या हुआ बेटा, क्या बात है, पूछा उन्होंने। मैंने कहा नहीं वो अजीब बात कर रहे थे, बोल रहे तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। किसने बोला तुमको? मैंने कहा पापा ने बोला। अच्छा पापा से तो उनकी ठनी रहती थी, बिकॉज वो जब फाइनेंशियल क्राइसिस में थी तभी ये उनको छोड़ के चले गए थे घर से, तो वो एक एंगर भी था उनके दिमाग में। तो उन्होंने कहा कि उससे तुमने क्यों फीस मांगने की बात की, उससे तो मैंने रिश्ता तोड़ दिया। मैंने कहा नहीं मुझे लगा कि मैं एक बार पूछ लेता हूँ पापा ने। बोले नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं, हम तुमको पढ़ाएंगे, हम पालेंगे, हमने जिम्मेदारी दी, हमने तुमको यहाँ रोक के रखा। तो ये एपिसोड के बाद मुझे और स्ट्रिक्ट शिद्दत से एक फीलिंग आ गई कि नहीं यार मुझे जो है अब काम करना है। और ये बात हो गई अब 2004 जनवरी की बात हो गई। अब 2004 जनवरी में मैं कॉलेज छोड़ चुका हूँ, यानी 11th कंप्लीट नहीं किया मैंने, और घर की हालत खराब है। तो उस वक्त जो मैंने स्टेप लिया, तो वो स्टेप जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें जो है कई सारी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, और उसमें काफी स्ट्रगल, ऐसा स्ट्रगल रहा है ना कि वो कोई शायद ही कोई इंसान करे, जो जो स्टेप्स मैंने लिए कि किन स्टेप्स को लेकर मैंने उस जॉब को हासिल किया, और उसके बाद जो है मैंने क्या क्या किया, वो जो स्ट्रगल वो मैं आपको बताऊंगा।